इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसे समझाने का प्रयास किया। मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर युवक को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वो माना नहीं। वो टावर पर बैठे बैठे ही मोबाइल पर बात करता रहा और नीचे कूदने की धमकी देता रहा। बाद में उसकी पत्नी और 4 साल की बेटी वहां पहुंची तो वो जाकर नीचे उतरा। दरअसल आजाद नगर थाना प्रभारी नीरज मेड़ा ने बताया कि युवक का नाम नंदराम उर्फ सोनू है। उसका पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो सुसाइड करने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। सोनू एक फैक्ट्री चलाता है। टावर से भी वो लगातार पत्नी और अपने भाई से फोन पर बात करता रहा था। पुलिस के पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसका भाई और पत्नी 4 साल की बेटी को लेकर मौके पर पहुंचे। बच्ची को देखकर युवक खुद ही नीचे उतर आया। दोनों की आजाद नगर थाने में काउंसलिंग की जा रही है। एक सोनू नामक व्यक्ति है, मुसागड़ी में रहता है। दोनों पति पत्नी का विवाद है, तो पत्नी और दोनों का पारिवारिक विवाद चल रहा, उसको लेके वो जियो का टावर है उस पर चढ़ गया था। अभी आधे घंटे के बाद उसको नीचे उतार लिया गया। अभी वो बात कर रहा है, पत्नी और पति पत्नी का दोनों का कुछ विवाद है, उसको उससे परेशान है, उसको लेके वो ऊपर टावर पे चढ़ गया। सर क्या नाम है, क्या करता है युवा की? सोनू नामक व्यक्ति है, मुसागड़ी में रहता है, उसका कुछ खुद का प्राइवेट फैक्ट्री है। सर ऊपर चढ़ने का फोन पे भी बात करता हुआ दिखाई दे रहा था? हाँ, वो उसके भाई से और उसकी पत्नी से बात कर रहा था। उसकी बच्ची को बुलवाया गया, बच्ची को बुला के उसके सामने ले आया तो वो नीचे उतर गया। हाँ, दोनों पति पत्नी का कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है, दोनों को काउंसलिंग करके समझाई दी जाएगी।